Okay, good morning students. Continuing with our lecture, so we are talking about honey. Okay, so honey की economic importance के बारे में पढ़ा था कि हमने ये कितना economically important है, इसका हर aspect important है, हर part जो भी produce होता है during beekeeping वो use हो जाता है, चाहे honey हो चाहे bee wax हो. हनी हम मोस्टली मेडिसिन में और बहुत सारे इंडिजिनियस वर्क्स होते हैं जिसमें हम यूज़ करते हैं, और जो हनी बी वैक्स होता है वो बहुत सारी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में फॉर कॉस्मेटिक्स पॉलिशेस के लिए यूज़ हो जाता है. सो नेक्स्ट वी विल टॉक की द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर सक्सेसफुल बी कीपिंग. हम अच्छे से बी कीप कैसे कर सकते हैं, कौन से पॉइंट्स अगर हम ध्यान में रखें तो बी कीपिंग प्रॉपरली हो सकती है. द फर्स्ट वन थिंग इज द नॉलेज ऑफ नेचर एंड हैबिट्स ऑफ द बी. जो भी आप बी रेयर कर रहे हो, ठीक है, जिस भी स्पीशीज की बी आप रेयर कर रहे हो उसकी नेचर कैसी है और उसकी हैबिट्स कैसी हैं बी की, ठीक है. अब जैसे इंसान अलग अलग टाइप के होते हैं, सबकी हैबिट्स अलग अलग होती है, वैसे जो एनिमल्स होते हैं उसमें भी ऐसी वैरायटी रहती है, सबकी हैबिट्स क्या होती हैं डिफरेंट होती है. वैसे ही जिस भी टाइप की आप बी रेयर करोगे उसकी आपको हैबिट, नेचर, वो किस टाइप के फ्लावर्स पे विजिट करती है, वो किस टाइम पे स्वार्म करती है, किस टाइम पे वो मोस्टली बाहर किस टाइम पे वो ज्यादा हनी प्रोड्यूस करती है, ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए. नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन फॉर कीपिंग द बी हाइव्स. हाँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने अपने बी हाइव्स रखने कहाँ है, उसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप उसको ड्राई डम्प प्लेस पे रख के छोड़ेंगे तो उसके क्या हनी एक्सट्रैक्ट होगा, नहीं. आपको उसको ऐसी जगह रखना है जहां से सोर्स ऑफ फ्लावर्स अच्छा हो, क्योंकि हनी बीस हनी कहाँ से फॉर्म करती है, फ्लावर से एक्सट्रैक्ट करती है ना वो नेक्टर, तभी वो हनी फॉर्म करती है. सेकंड थिंग, कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वार्म्स, ग्रुपिंग ऑफ बीज, ठीक है, और कैच करना प्रॉपरली बीज को और हाइविंग ऑफ स्वार्म्स. हाइविंग ऑफ स्वार्म्स मतलब जो अभी छोटे छोटे क्या बोलते बेबीज हैं बीज के, वो प्रॉपरली उनको मैनेज करना, उनकी लिविंग कंडीशंस प्रॉपर करना और उसमें प्रॉपरली रिप्रोड्यूस करें, जो बीज हैं वो प्रॉपरली रिप्रोड्यूस करें और जो उन्होंने बॉक्सेस बनाए हैं वहां पे प्रॉपरली क्या करें, बीज रह सके. सेकंड, मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स. यस, अब ऐसा नहीं है कि आपने एक बार गर्मी में ले लिए और डब्बे वो जो बॉक्सेस हैं आपको दिख रहे हैं वैसे रख दिए और उसकी कोई केयर नहीं की और लास्ट में आप सोचें कि आपको हनी मिलेगा. नो, नॉट एट ऑल. जो भी बॉक्सेस हैं उनको हर मौसम के हिसाब से, उनकी नीड्स के हिसाब से उसको मैनेज करना पड़ता है. जैसे अगर रेनी सीजन है तभी उनके लिए अलग से फीचर रहता है कि उसको कैसे हैंडल करना है, समर है तो अलग से रहेगा, उसके बाद विंटर्स हैं तो अलग से उसका सिस्टम रहता है. नेक्स्ट, हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स. अब आप एक्सट्रैक्शन जब करेंगे तो आप प्रॉपरली कैसे हनी और बी वैक्स को कलेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं रफ एंड डर्टी कलेक्शन नहीं होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन कलेक्शन होनी चाहिए हनी की, तभी वो क्या रहेगा, अच्छे से मार्केट में जाएगा और जो बी वैक्स है वो भी टूटना नहीं चाहिए, प्रॉपर स्टैक्स में रहना चाहिए. नेक्स्ट, कीपिंग द बी हाइव्स इन क्रॉप फील्ड्स ड्यूरिंग द फ्लावरिंग पीरियड इंक्रीजेस पॉलिनेशन एफिशिएंसी एंड इंप्रूव्स द यील्ड. अब जो बी हाइव्स है उसको मोस्टली हमें कहाँ रखना चाहिए, क्रॉप फील्ड्स में, क्योंकि वहां पे क्या होती है ड्यूरिंग फ्लावरिंग पीरियड, जब भी क्रॉप फील्ड में फ्लावरिंग होगी तब हमें बी हाइव्स को उठा के वहां रखना चाहिए. क्यों? क्योंकि दे गेट मैक्सिमम एक्सपोजर ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, और जितना ज्यादा वो फ्लावर्स का एक्सपोजर उनको मिलेगा उतना ज्यादा वो नेक्टर एक्सट्रैक्ट करेंगे और उतनी ही ज्यादा क्या होगी, हनी की प्रोडक्शन होगी, ठीक है, पॉलिनेशन एफिशिएंसी होगी, इंप्रूव्स द यील्ड. सो नेक्स्ट आप देख सकते हैं, दिस इज ऑल अबाउट बी कीपिंग, क्या हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या होती है और उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या थी. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फिशरीज. अब फिशरीज में बच्चे क्या रहता है, फिशरीज पता ही आपको क्या है, फिशरीज एंड इंडस्ट्री डिवोटेड टू कैचिंग, प्रोसेसिंग और सेलिंग ऑफ फिश, जिसमें हम क्या करते हैं, मछली को पकड़ते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं या फिर सीधा ही उसको क्या करते हैं, सेल करते हैं. नेक्स्ट, अब कौन कौन सी मोस्टली शेल फिश होती है, एक्वाटिक फिश होती है, ठीक है, फ्रेश वाटर होती है, मैरीन वाटर होती है. फ्रेश की एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, कैटला होगी, रोहू होगी, कॉमन क्रैब हो गया. मैरीन फिशेज में आप देख सकते हो सर्डिन्स होगी, मैकरल होगी, ठीक है. सो ये है सारी फिशेज, मरीन और फ्रेश वाटर. नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ फिशरीज डिफरेंट टेक्निक्स हैव बीन एम्प्लॉयड टू इंक्रीज प्रोडक्शन, ठीक है. अब ऐसा क्या रहता है कि जैसे मोस्टली
हमें ये करना पड़ेगा कि जैसे मैरीन फिशरीज है उनकी उनकी डिमांड्स अलग रहेंगी, जो फ्रेश वाटर है उनकी डिमांड्स अलग रहेंगी। इसीलिए दोनों की टेक्निक्स क्या होंगी, अलग अलग। किस चीज के लिए? उसकी यील्ड को इन्हांस करने के लिए। वैसे भी आज के प्रेजेंट टाइम में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है सारी कंट्रीज में, स्पेशली इंडिया में, तो सबकी फूड नीड्स पूरी करने के लिए हमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रोडक्शन चाहिए, ज्यादा यील्ड चाहिए, तभी हम सबकी नीड्स क्या कर जाएंगे, फुलफिल कर पाएंगे। अब इसके लिए आजकल क्या है, थ्रू एक्वाकल्चर एंड पिसिकल्चर वी हैव बीन एबल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। कैसे हम एक एक्वाकल्चर और पिसिकल्चर दोनों से उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं, जिसमें क्या होता है, एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स बोथ फ्रेश वाटर एंड मेरीन। ठीक है, उसमें हम क्या लगाते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स। अब देखो यहाँ पे एक्वाकल्चर क्या होता है बच्चे, प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स इन वाटर मीडियम, जिसमें सॉइल नहीं सिर्फ वाटर में ही क्या करते हैं, प्लांट्स को ग्रो कर देते हैं। और पिसिकल्चर क्या है, पिसिकल्चर क्या है, हाँ जी बच्चे क्या हो सकता है पिसिकल्चर, थोड़ा दिमाग पे जोर लगाओ, मैं खुद ही रुकी हूँ। ठीक है, पिसिकल्चर जैसे बच्चे जरूरी नहीं है कि हम हमें नदी या सी में ही फिश मिले, कुछ लोग खुद भी पॉन्ड या किसी छोटी जगह पे फिशेस को पालते हैं, ठीक है, रेयर करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पिसिकल्चर। रेयरिंग ऑफ फिश इन अ पॉन्ड ऑफ लेक इज कॉल्ड पिसिकल्चर। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे जगह पे क्या उसको बोलते हैं पिसिकल्चर। और जो बोलते हैं कोस्टल एरियाज पे कमर्शियल बेसिस पे फिशेस को पकड़ते हैं और सेल करते हैं उसको बोलते हैं मैरीन कल्चर। और जो हम एक्वाटिक प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं वाटर में या एनिमल्स को, जो वो फिशेस के वो जो फिशेस का फूड बन सके। अब हमारा क्या, पर हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम एक्वाटिक प्लांट्स प्रोड्यूस करें या एनिमल्स प्रोड्यूस करें, वो इसलिए प्रोड्यूस करने पड़ते हैं क्योंकि वो क्या बन सके, फिशेस का फूड, और फिश अच्छे से ग्रो कर सके। और ये दोनों भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर वाले की वराइटीज अलग होती हैं और मैरीन की अलग होती हैं। ठीक है, तो सबको हम कहा मोस्टली प्रेफर करते हैं ग्रो करना एक्वा कल्चर में। और एक्वा कल्चर में मोस्ट क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स इन द वाटर मीडियम विदाउट सॉइल। वाटर मीडियम में कैसे ग्रो होते हैं बच्चे एक्वा कल्चर में प्लांट, उसमें क्या होता है, हम वाटर में ही सारे न्यूट्रिएंट्स डाल देते हैं, जिससे क्या होता है सॉइल की जरूरत नहीं पड़ती हमें। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज डन। ये देखो अब इसके एग्जाम्पल देख सकते हो आप, माइक्रोसॉड हो गया, जावा फर्न, एमेजोन सॉड, चाइनन सॉड, नैरो लीव, एनुबिस नैना, बनाना प्लांट, क्रिप्टोकोम, मैरियोग्रीन, हनी वॉट, रोटेला इंडिका, कॉर्कस्क्रू, विट्सिया ग्रोआउन, लेडविगिया ब्रॉड, जावा फर्न, ये सारे बच्चे एग्जाम्पल्स हैं जो हम एक्वाकल्चर में प्लांट्स, एक्वाटिक प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। सो दिस इज ऑल विद दिस लेक्चर। टुमारो वी विल स्टार्ट विद अ प्लांट ब्रीडिंग।